उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में 17 दिन तक ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद सफलतापूर्वक 41 जो मजदूर थे उनको निकाला गया है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव भी जुड़े हैं न्यूज 18 पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, सबसे पहले तो बधाई, ऑपरेशन बहुत लंबा चला है, और किस तरीके का पूरा आपका बताइए, 17 दिन तक आपके मन में क्या चलता रहा, क्योंकि इसमें बहुत अप्स एंड डाउन आए। देखिए, बहुत कठिन था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था, और अंततः सफलता मिली है। और मैं इसमें सभी जिन लोगों ने भी इस रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक एक एजेंसी का, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, हमारे विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, विदेश से आए हुए जो हमारे विशेषज्ञ थे उनका भी, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने वाला स्थानीय लोगों का भी, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने प्रत्येक दिन इस अभियान की पल पल की जानकारी ली और कैसे अभियान चलाना है, लगातार हमारा प्रोत्साहन किया, लगातार पूरे देश की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें उपलब्ध करवाई। ये पहला शायद ऐसा अभियान होगा, मैं समझता हूँ कि एक दिन भी, 16 दिनों तक 17 दिनों तक अभियान चला है और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने चिंता न करी हो। और चिंता केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में तो करी, साथ में एक जैसे माता पिता अपने बेटे का, बेटियों का जिस प्रकार से चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता करी। मैं बाबा बौकनाथ जी का भी नमन करता हूं, उनको भी, कि उनकी कृपा से ये काम हमारा संभव हो पाया। और पहले दिन से बहुत ही चुनौतीपूर्ण लग रहा था, कभी लगता था कि अभी अभियान पूरा हो जाएगा, अभी जेसीबी पोकलैंड से मलबा हट जाएगा, फिर ह्यूम पाइप जब लाए गए उन पाइपों से जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे, और एक एक करके सारे जो हमारे प्रयास थे वो रुकते जा रहे थे। हम करते थे, फिर करते थे, फिर ऑगर मशीन लाई गई, उसको भी जब हम 21 मीटर पर गए तो ऑगर मशीन अंदर फंस गई, तो वो बहुत बड़ा 16 तारीख का दिन हमारे लिए बहुत झटका देने वाला दिन था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था कि कैसे क्या होगा, कुछ कह रहे थे वाइब्रेशन हो रहा है, अब काम करने वाले भी अंदर से बाहर आ गए हैं, एक दिन 24 घंटे काम रुका रहा, फिर उसको किसी तरह से कैनोपी बनाकर ऊपर सेफ्टी बनाकर उसको काम को फिर शुरू किया गया, फिर जाकर 34 मीटर पर फिर रुक गया, फिर से जो है दोबारा पूरी मशीन निकाली गई, फिर डाली गई, और फिर आगे पाइप को बढ़ाया गया। 48 मीटर पर जाके तो बिल्कुल ही जाम हो गई और मशीन भी जो है पूरी डैमेज हो गई, ऑगर मशीन। तो वो बहुत कठिन समय था, जिसके कारण से 3-4 दिन का समय जो हमारा ज्यादा लगा। उसके बाद उस मशीन को एक एक पंखों को काट के, बीच में मशीन को एक एक मीटर काटने के बाद बाहर निकालना, वो बहुत कठिन काम था। अंदर गैस वेल्डिंग करना, कितनी गर्मी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऐसे में काम किया गया। और जब ऑगर मशीन बाहर निकली, फिर आगे देखा गया तो आगे पाइप जो है पूरा डैमेज हो चुका था, फिर पाइप को काटा गया, पाइप को काटने के बाद फिर आगे बढ़ाया गया पाइप को, तो फिर गडर आ गया, फिर गडर को काटा गया, तो उसके बाद फिर मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हुई। और वैसे करते करते कभी लगता था कि अभी होने वाला है, आज हो जाएगा, फिर वो फिर 2-3 दिनों के लिए टल जाता था। फिर अंदर ऐसा लगता था कि जो हमारे भाई श्रमिक भाई हैं उनका हौसला कहीं कम ना हो, इसलिए उनसे भी बीच बीच में लगातार हम कम्युनिकेशन करते रहे, मैं स्वयं भी बात करते रहा, लेकिन अंदर के जो हमारे श्रमिक भाई थे वह भी जो है बहादुर थे, और उनके अंदर भी बहुत बहादुरी थी, उसके कारण से वो हमें भी लगातार कहते थे कि आप अपना काम करिए और हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, बाहर आप जो है ठीक से रहिए, और हमको 5 दिन 10 दिन जितना भी लगेगा हम ठीक हैं, हम कोई परेशानी नहीं है, और हमें सुरक्षित बाहर निकाल लीजिए। अंततः भगवान की कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये हमने कठिन से कठिन जो अभियान था ये पूरा हुआ। अच्छा मुख्यमंत्री, अब इस टनल से, क्योंकि पूरा ऑपरेशन जिस तरीके से चला है, अब इस टनल का क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, भारत सरकार ने सभी टनल प्रोजेक्ट जितने भी देश के अंदर चल रहे हैं सबकी सेफ्टी ऑडिट का आदेश कर दिया है, और हमने भी कहा है कि राज्य के अंदर जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल के प्रोजेक्ट हैं उन सबकी हम समीक्षा करेंगे। सर, इस साल की शुरुआत जोशीमठ आपदा से हुई, वो भी एक सरकार का बड़ा टेस्ट था, दूसरा ये आपदा इस साल जाते जाते, इन दोनों आपदाओं के बीच में आपका अनुभव कैसा रहा, आपने इसमें क्या लर्निंग सरकार के लिए या बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी रही? देखिए, आपदा किसी एक कारण आपदा का नहीं होता है, आपदा तो आपदा है,
मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में सभी के जो बातें हैं, सभी के जो प्रयास हैं, सभी की क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, वो एकीकृत होनी चाहिए। और एकीकृत होने से एक दिशा में प्रयास होता है और आपदाओं का प्रभाव भी कम होता है। हम अपने जो प्रयास करते हैं वो भी सफल होते हैं। जी, ये सारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है आपका, सारी एजेंसियां रही हैं, फाइनली आपको क्या लगता है किसको क्रेडिट है इसका जाना चाहिए, इस पूरे ऑपरेशन का, जिन्होंने काम किया है दिन रात, उनको सरकार का भी कोऑर्डिनेशन रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय का भी कोऑर्डिनेशन रहा? देखिए, मैंने कहा कि एक एक श्रमिक भाई का जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, एक एक एजेंसियों के लोगों का, एक एक व्यक्ति का, भारत सरकार का, पीएमओ का, राज्य सरकार के लोगों का, सभी हमारे सेना के लोगों का, आईटीबीपी, एसटीआरएफ, एनडीआरएफ, जो भी लगे हुए थे, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और सभी ने अपना योगदान दिया। विशेषकर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि आपदाएं पहले भी आती रही हैं, ये देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं जिन्होंने अपने परिवार की तरह उन श्रमिक भाइयों की चिंता करी है, और उनका ही इतना बड़ा संबल था कि हम इसको पार कर पाए, इसमें सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में चल रहे हैं उन पे काम जारी तो रहेगा, लेकिन उनका रिव्यू भी समय समय पे होता रहेगा।